नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की सखियों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति के बारे में अध्ययन किया। क्षमा दान की शक्ति में हमने पांच प्रकार की क्षमा दान के बारे में पढ़ा और कंपेयर भी किया गवर्नर से, राज्यपाल से, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। क्षमादान से संबंधित हम लोगों ने इसका तुलना भी किया। हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो संघ सूची के विषय पर समझ क्षमादान व राज्यपाल जो है वो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय में अगर कोई अपराध होता है तो उसके विषय में क्षमादान की शक्ति रखता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो राज्यपाल है वो मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन हम देखेंगे मृत्यु को का लघुकरण किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, प्रविलंबन किया जा सकता है, लेकिन क्षमा नहीं किया जा सकता कि पूरी तरीके से मृत्युदंड की अपराधी को क्षमा कर दिया। आज हम लोग राष्ट्रपति की आगे की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की नेक्स्ट जो शक्ति है वो आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो संविधान के भाग, हमने संविधान को पिछली स्टार्टिंग की क्लास में संविधान का क्लासिफिकेशन किया था कि संविधान में जो है वो भाग में बटा होता है और भाग फिर क्लॉज में, क्लॉज फिर सब क्लॉज में। तो जो हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 में दी हुई हैं। भाग 18 में दी हुई हैं। तीन तरीके के आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। क्या क्या हैं पहले देख लेते हैं एक प्रकार से, पहले ब्रीफ में, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम देखेंगे राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात की शक्ति, राष्ट्रीय आपात की शक्ति, राष्ट्रीय आपात की शक्ति में हम लोग क्या देखेंगे, ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। हम देखेंगे कि ये सब भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसी तरीके से हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की जो शक्ति है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंटल रूल, राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ देखेंगे वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, वित्तीय जो शक्ति है ये आर्टिकल 360 में डिटेल से दी हुई है। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। हम इसको अब बारी बारी से डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली शक्ति जो है आर्टिकल 352 राष्ट्रपति की नेशनल इमरजेंसी की जो शक्ति है, हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात की शक्ति है, नेशनल इमरजेंसी की जो पावर है, उसमें संविधान में ये बातें कही गई हैं। आर्टिकल 352 में क्या कहा गया है इसके बारे में हम डिटेल में सीख लेते हैं। आर्टिकल 352 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, क्या समाधान हो जाए, कि देश की जो रक्षा सुरक्षा है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा
लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे तीन तरीके की बातें की गई हैं, क्या क्या है। सबसे पहली बात यहां पर जो बात हो गई है, युद्ध हो, वार की सिचुएशन बनी हो, उसके साथ साथ देखेंगे बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और उसके साथ साथ देखेंगे सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए ये तीन टर्म हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत, वो तीन आधारों पर लगाया जाएगा। युद्ध की स्थिति बनी हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रोक्लेम करेगा कि नेशनल इमरजेंसी देश में या देश के उस हिस्से में जहां पर इस तरह की स्थिति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की बन रही होगी, वहां पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी अनुच्छेद 352। पहले हम देखते हैं यहां पर ये जो टर्म है सशस्त्र विद्रोह, ये टर्म मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, तो फिर इसकी जगह पर क्या था या ये कब आया? तो हम देखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, 1978 में यहां पर सशस्त्र विद्रोह से पहले जो मूल संविधान में टर्म था वो आंतरिक अशांति शब्द था, तो हम देखते हैं इस शब्द को हटा के इस शब्द को पुटअप किया गया, सशस्त्र विद्रोह को। तो ये तीन आधार होंगे राष्ट्रीय आपात को लगाने के। हम देखते हैं कि ये सिस्टम चलेगा कैसे, कि राष्ट्रीय जो आपात होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी, वो किस तरीके से लगाई जाएगी। तो यहां पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सूचना या कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी। अब यहां पर हम देखेंगे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, केवल यही एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 जहां पर कैबिनेट का प्रयोग हुआ है। हम शब्दों को भी समझेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि लिखित सलाह की बात यहां पर की जाएगी। तो हम देखते हैं कैबिनेट की लिखित सलाह, जब कैबिनेट की लिखित सलाह राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी तो राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेंगे। देखेंगे कैबिनेट क्या होती, कैबिनेट देखेंगे मूल रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हम कहें मंत्रिपरिषद, और अगर हम इसकी हिंदी देखें तो मंत्रिमंडल, दोनों टर्म अलग हैं। रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 को छोड़कर, अनुच्छेद 352 को छोड़कर, नेशनल इमरजेंसी वाले सेक्शन को छोड़कर, हर जगह राष्ट्रपति को किसकी सलाह पर काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है देखेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था होती है, हम यहाँ देखेंगे छोटी संस्था होती है इसके मुकाबले ये बड़ी संस्था होती है। हम देखेंगे इसकी संख्या, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या संसद में निर्धारित है कि टोटल जो मेंबर होंगे उनके 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो संस्था है ये छोटी संस्था है, इसमें कहने का मतलब हो सकता है होम मिनिस्टर हूँ, वित्त मंत्री हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, इस तरीके कुछ अन्य जो चुने हुए जो प्रधानमंत्री से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं किसी भी खास मैटर पर। तो हम कैबिनेट की लिखित सलाह पर बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी। अब कैबिनेट ने लिखित सलाह दे दी कि राष्ट्रपति साहब देश के इस हिस्से में या संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आप कर दीजिए। तो देखिए राष्ट्रपति साहब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तो कर देंगे,
लेकिन उसके लिए अब यहाँ पर सिचुएशन है कि जब राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी तो उसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग और विशेष बहुमत से हम देखेंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, कैबिनेट की लिखित सलाह आ गई प्रेसिडेंट के पास, तो यहाँ पर देखेंगे संसद के द्वारा अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा इसी प्रस्ताव को जो नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई कर रहे हो, जो राष्ट्रीय आपात को लागू कर रहा होगा, वहां पर देखेंगे विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से 30 दिन के अंदर, 30 दिन में इस प्रस्ताव को पारित कर देना चाहिए। और अगर ये 30 दिन में पारित हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी का ये जो प्रस्ताव है वो 6 माह के लिए लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यही प्रक्रिया आगे कई बार तक बढ़ाई जा सकती है। कई बार बढ़ाने का मतलब है कि सपोज करिए कि युद्ध प्रारंभ हो गया चीन से, भारत और चीन का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध की जो ड्यूरेशन है वो पहले से फिक्स नहीं होती है कि 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में ख़त्म हो जाए। अगर ये सपोज करिए कि जो युद्ध है 5 साल तक चलता रहा, तो नेशनल इमरजेंसी की जो होगी सिस्टम वो 5 साल तक, देखेंगे किस तरीके से 6 माह पूरे होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों फिर से विशेष बहुमत से इसी प्रस्ताव को पारित कर देंगे, तो 6 माह के लिए अलग से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे यही प्रक्रिया आगे जब तक कि नेशनल इमरजेंसी को हटाना नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। तो हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी हटेगी कैसे, ये भी चीज देख लेते। राष्ट्रीय जो आपात होगा, नेशनल इमरजेंसी जो होगी वो कैसे हटेगा। देखिए नेशनल इमरजेंसी कभी भी हट सकती है, कभी भी कैसे हटेगी तो हम यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्रपति कभी भी घोषणा वापस ले सकता है। नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति हमारा टाइटल होगा, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति में हम देखेंगे राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा वापस ले ले, राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा को वापस ले ले। इसके साथ देखेंगे अगर संसद के द्वारा अनुमोदन ना किया जाए, अनुमोदन ना किए जाने पर, इसके साथ साथ देखेंगे लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा भी ये नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। हम देखते हैं समाप्ति हो गई, लागू कैसे किया जाएगा हमने इसको देखा, समाप्ति किस तरीके से की जाएगी हमने इसके बारे में देखा। अब हम लोग इसके देखेंगे कि प्रभाव क्या होगा। हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का जो प्रभाव होगा, जो राज्यों का जो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स जो होगा, उसके संदर्भ में केंद्र निर्देश दे सकता है। तो हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव, प्रभाव में क्या देखेंगे। सबसे पहला प्रभाव यह है कि राज्यों को प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्देश दिए जा सकते हैं राज्य केंद्र के द्वारा। हम देखेंगे किस तरीके से संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा सीधे जिलाधिकारी को निर्देश दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे इसका जो दूसरा प्रभाव होगा नेशनल इमरजेंसी का, वो संसद जो होगी वो संघ राज्य संघ सूची पर तो नियम कानून बनाती ही है, उसके साथ साथ राज्य सूची के विषय पर भी, स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है, ये भी हो सकता है।
इसके साथ साथ और प्रभाव क्या होगा, इसके साथ साथ देखेंगे हम कि जो भारतीय व्यवस्था है वो संघात्मक है, ये एकात्मक में कन्वर्ट हो जाती है। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही जान लिया। हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो होंगे, मूल अधिकार जो होंगे हमारे, वो निलंबित कर दिए जाएंगे, निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि मूल अधिकार सबके सब निलंबित किए जाएंगे, लेकिन इसका अपवाद है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ये नहीं निलंबित होंगे, नहीं निलंबित होंगे। ये जो प्रस्ताव आया था ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाएंगे नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ये निलंबित नहीं होंगे एनी सर्कमटेंसेस के बारे में। हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक कितनी बार लगाई गई, सोच सकते हैं इसके बारे में, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल नहीं। देखिए चाइना वार की स्थिति में, जब चाइना वार हुआ था तब एक बार लगी थी, फिर जब हम लोगों ने बांग्लादेश को फ्री कराया, बांग्लादेश को कब फ्री कराया, 1971 में, और ये सब पता है 1962 में। उसके साथ साथ हम देखेंगे एक और अवधि है, ये 1975 में नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी, और ये जो 1975 की इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी, वो आंतरिक अशांति के वजह से अप्लाई की गई थी, जो कि वास्तविकता में थी नहीं, लेकिन इसको कुछ जो सत्ता के उपयोग में इसको लगा दिया गया था। तो हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी को डिटेल में पढ़ा। हम लोग इसी के आगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में अब पढ़ने जाते हैं कि प्रेसिडेंट रूल क्या बात करता है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, देखिए जो संविधान है हमारा उसमें कहीं भी प्रेसिडेंट रूल का प्रयोग नहीं हुआ, प्रेसिडेंट रूल कहीं भी उपयोग में, शब्द ही उपयोग नहीं हुआ प्रेसिडेंट रूल का। प्रेसिडेंट रूल की जगह पर उपयोग जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर क्वेश्चन कभी बन जाए कि राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था आर्टिकल 356 में की गई है राष्ट्रपति शासन की, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन शब्द का जो प्रयोग है वो उपयोग में नहीं लाया गया भारतीय संविधान में, लेकिन इसकी जगह पर जो शब्द लाया गया वो संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्टिकल 356 क्या कहता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता को ही हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, शब्द से ही क्लियर है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए कहां पर, राज्यों में। तो हम देखेंगे जो इसका डेफिनेशन है वो ये है, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से, राज्यपाल प्रतिवेदन कर दे, के प्रतिवेदन से, या फिर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन से या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, क्या समाधान हो जाए, कि जो राज्य का शासन प्रशासन है, शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के आधार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित करके वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। ये डेफिनेशन हो गई। यहां पर टर्म क्या है, यदि संविधान के अनुरूप शासन नहीं चलाया जा रहा होता है, बेसिकली जिस तरीके की व्यवस्था में हम लोग रहते हैं वहां पर संविधान के अनुरूप शासन नहीं, ये केंद्र के मस्तिष्क की उपज होती है कि संविधान राष्ट्रपति शासन को लागू करना। तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसे लागू किया जाएगा, इसका सिस्टम क्या होगा। इसका जो सिस्टम होगा
2 माह तक ये जो व्यवस्था है संवैधानिक तंत्र या राष्ट्रपति जो शासन है वो 2 माह तक स्वतः लागू रहती है। उसके बाद हम देखेंगे यदि संसद के दोनों सदन इसको अनुमोदन नहीं करते हैं कि मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो 60 दिन के अंदर ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो राष्ट्र संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो 2 माह तक स्वतः लागू रहती है। अगर पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 60 दिन के भीतर अब यहां पर 60 दिन के भीतर हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा विशेष बहुमत से, यहां पर जो होगा वो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से सिंपल मेजोरिटी से अगर इसको पारित नहीं किया जाता है, इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा तो ये प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर पारित कर देती है लोकसभा और राज्यसभा 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से इसको पारित कर देंगे, तब स्थिति क्या होगी, तब जो स्थिति होगी वो ये होगी कि राष्ट्रपति जो शासन है वो 6 माह के लिए, प्रेसिडेंट रूल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और उसके बाद उसे एक बार 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं किस तरीके से, अगर प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पारित कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब लागू जब हो जाएगा तो ये देखेंगे, पहली बार ये है जो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 माह के लिए लागू होगा और दोबारा में फिर प्रस्ताव पारित करके 6 माह के लिए उसको और बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में कितने समय तक लगाया जा सकता है, अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाएगा, तो हमारा जवाब होगा 3 ईयर। लेकिन इसके लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि ये 1 वर्ष लगने के बाद इलेक्शन कमीशन प्रमाणित कर दे, इलेक्शन कमीशन क्या प्रमाणित कर दे कि जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन चलाया जा रहा है, वहाँ पर चुनाव सकुशल तरीके से नहीं कराए जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वो धीरे धीरे करके 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष है। हम लोग अगर इसी की प्रभाव के बारे में पढ़ ले कि प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट रूल होगा उसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा या फिर कहें कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो वास्तविकता में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती हैं या फिर मंत्रिपरिषद, तो जो मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या हम कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में लिया जा सकता है और जो राज्य की विधान मंडल होगा, विधानमंडल जो राज्य का होगा उसको सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या भंग भी किया जा सकता है, राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। तो हम देखेंगे ये स्थिति बन सकती है। यहाँ पर भी जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी और इसके साथ साथ देखेंगे प्रशासन के संबंध में संघ के द्वारा राज्य को निर्देश जारी किए जा सकते हैं और जो वित्तीय मामले हैं उन पर भी संघ के द्वारा फोकस किया जा सकता है। तो ये प्रभाव थे, जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाएगा तो उसके प्रभाव क्या होंगे, प्रेसिडेंट की रूल की समाप्ति कैसे होगी। प्रेसिडेंट रूल की समाप्ति राष्ट्रपति अगर घोषणा कर दे कि राज्य का शासन अब सही हो गया तो वहां पर जो रूल होगा प्रेसिडेंट रूल वो हट जाएगा। अगर ये ना करके ये व्यवस्था हो जाए कि संसद अनुमोदित ना करे, संसद जो ये अनुमोदन कर रही थी लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से पारित कर रही थी, अनुमोदन ही ना करे तब भी खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ देखेंगे अगर कि जो शर्तें हैं ये ना पूरी हो रही हों,
तो इसके द्वारा जो राष्ट्रपति शासन है उसको हटाया जा सकता है। तो हम राष्ट्रपति शासन को हटाने के बारे में पढ़ें, हम देखते हैं इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो हम उसको पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो तथ्य है महत्वपूर्ण वो। देखिए सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो उत्तर प्रदेश में लगाया गया 10 बार, लेकिन अगर सबसे अधिक समय तक पूछा जाएगा तो सबसे अधिक समय तक पंजाब में 10 वर्ष के लिए लगाया गया है राज्यों में। उसके बाद हम देखेंगे 3 वर्ष से अधिक समय तक कहाँ पर लगाया गया, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उसके साथ साथ हम और देखें तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के टाइम पर 49 बार प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया। देखेंगे इसको जो फैक्ट हैं, फैक्ट एंड फिगर इंपॉर्टेंट, तो सर्वाधिक बार जो प्रेसिडेंट रूल है राष्ट्रपति शासन है वो 49 बार किसके टाइम में लगाया गया है, इंदिरा गांधी के टाइम पर। दूसरे पर हम अगर देखें मोदी साहब भी हैं तो मोदी जी के टाइम पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल जो है वो अभी तक 7 बार लगाया गया था। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर फोकस कर लेते हैं। सर्वाधिक जो समय है तो उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष तक, 10 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और सबसे ज़्यादा बार काउंटेबल में कितने बार लगाया गया, सबसे सर्वाधिक ज़्यादा बार तो पंजाब में, पंजाब में हम देखेंगे ये जो है हम यहीं पर थोड़ा सा पंजाब में जो है सर्वाधिक समय के लिए लगा, तो ये पंजाब में है सर्वाधिक समय जो है वो पंजाब में 10 वर्ष तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और लेकिन सबसे ज़्यादा बार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स थे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कन्फ्यूजन का टॉपिक हो जाएगा, सर्वाधिक समय 10 वर्ष पंजाब में रहता है और सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में 10 बार ही लगाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट रूल, एक और इशू यहाँ से छूट जाता है, प्रेसिडेंट रूल न्यायालय के द्वारा भी समाप्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है यदि ईर्ष्या के भाव से या फिर जो सत्ता के अधिकतम प्रयोग के कारण केंद्र के द्वारा बार बार किसी प्रांत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है और असंवैधानिक पाने पर प्रेसिडेंट रूल को सस्पेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल को हटा सकता है। तो यहाँ पर जो इशू उठता है एक केस है एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हुआ ये 1994 का केस है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन या डिसीजन आए वो देखने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट रूल केवल तभी लगाया जाएगा जब राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी होगी या संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो केवल शब्द का भी प्रयोग है, तो राष्ट्रपति शासन केवल, हम देखेंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल केवल संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर लगाया जाएगा। ये चीज हो गई। इसके साथ साथ कुछ और इसी में वर्डिक्ट आए कि क्योंकि ये सत्ता के उपयोग से संबंधित थे इसलिए यहां पर कुछ बातें की गई, जैसे राज्य सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार का जो बहुमत का परीक्षण जो है वो केवल सदन में होगा, मतलब विधानसभा में,
ये चीज़ भी फोकस कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ और वर्डिक्ट इसी में दिए गए। जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, जब पारित हो जाएगा तभी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। कि राष्ट्रपति शासन लग गया, सपोज करिए कि प्रस्ताव हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो विधानसभा राज्य की भंग कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, जो साधारण बहुमत मैंने बताया अभी पीछे कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा, उसके बाद इसको विधानसभा को भंग किया जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे SR बोम्मई के केस में कि आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर मतलब ये गैर संवैधानिक होता है तो जो कोर्ट होगी वो इसको सस्पेंड कर देगी। तो ये जो कुछ इशू था राष्ट्रपति के शासन से संबंधित, जो कुछ इशू था राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन से संबंधित, उसके बारे में डिस्कशन किया। एक और यहीं पर छोटा सा इशू रह जाता है, वो जो इशू है वो आर्टिकल 360 का है। आर्टिकल 360 में, अनुच्छेद 360 में कहा जाता है वित्तीय आपात की घोषणा, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड। वित्तीय आपात की घोषणा कब की जाएगी, हम देख लेते हैं क्या बात होती है। देखिए राष्ट्र यहां पर देखेंगे वित्तीय आपात की घोषणा, देखिए राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश की जो साख व्यवस्था है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। जब ये घोषणा की जाएगी तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ये इसको प्रस्ताव को पारित कराएंगे। जब ये प्रस्ताव को पारित कराएंगे तो जब अगले अनाउंसमेंट तक, जब तक राष्ट्रपति अनाउंस ना कर दे कि वित्तीय स्थिति देश की सही हो गई है, तब तक लागू रहेगी। मतलब इसमें टाइम फेज नहीं दिया है कि टाइम कब तक होगा। तो हम देखेंगे वित्तीय आपात की जो घोषणा होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सर्वाधिक प्रभाव ये होगा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, जो राज्यों के जो बजट होंगे उनके संबंध में केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ MPs, MLAs, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि संचित निधि से भी क्यों ना उनको वेतन पेंशन मिल रहा हो, उनकी जो उनके वेतन वगैरह में कटौती की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय साख के मैटर है। इसके साथ साथ राज्यों के जो धन विधेयक होंगे वो संघ के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में वित्तीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगाई गई, 1962 चाइना वार में, उसके बाद 1971 इंडिया पाकिस्तान वार जिसमें बांग्लादेश को फ्री कराया हम लोगों ने, उसके साथ साथ 1975 में। और उसके बाद हमने देखा प्रेसिडेंट रूल जो है वो सबसे ज़्यादा बार जो है वो उत्तर प्रदेश में लगाया गया 10 बार में, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक पंजाब में लगाया गया। सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल जो है वो उसको प्रैक्टिस जो है वो इंदिरा गांधी के समय में 49 टाइम्स हुई और मोदी जी के टाइम में 7 टाइम्स हुई। और उसके बाद हम देखेंगे जो वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी थी, उसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि देश हालांकि उस स्थिति से भी गुजर चुका है जब 1990s का टाइम था, 1990 के बाद का, या 1990 का जो समय था जिसमें, जिसके बाद हम लोगों ने LPG के पैराडाइम को अपनाया। हमारे पास जो फॉरेन करेंसी था वो बहुत कम हो गया था, फॉरेन एक्स का जो रिजर्व था, तो वहाँ पर लगाई जा सकती थी। अब जैसे COVID-19 जैसी सिचुएशन जो चल रही थी, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति लगा सकते थे। स्थिति ऐसी थी कि इनकम शून्य थी लोगों की, खास करके जो भी
सिस्टम है, तो देश का सिस्टम चलाने के लिए कि आगे जो ये पैसा है, जो वेतन है दिया जा रहा है लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को या अन्य जो एमपी एमएलएज हैं उनको दिया जा रहा है, उसमें कमी करके उसका उपयोग वेलफेयर के लिए, हॉस्पिटल को बनाने में या किन्हीं अन्य पर्पज के लिए किया जा सकता था। लेकिन हालांकि स्थिति अब संतुलन में है और राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कुछ घोषित नहीं किया गया। राष्ट्रपति की ये जो घोषणा होगी वो वास्तविकता में मंत्रिमंडल के सुझाव, मंत्रिपरिषद के सुझाव पर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव पर होगी। लेकिन हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा है वो कैबिनेट, मंत्रिमंडल के सुझाव पर की जा सकती है। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो अनुच्छेद 60 में दी गई है, और फिर वाइस प्रेसिडेंट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।